हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णेंदु और आप सभी का स्वागत है मेरे लव्स गार्डन यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जो बहुत सालों से गार्डनिंग में काम आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, प्लांट में किस तरह काम आते हैं, प्लांट में क्यों काम आते और कहाँ पर मिलते, कैसे यूज़ करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम सॉल्ट के बारे में जानने से पहले आपको प्लांट की न्यूट्रिशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए प्लांट की न्यूट्रिशन के बारे में जान लेते हैं। तो एक प्लांट को जीवित रहने में जो जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है उसे दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है मैंगनीज, जिंक, कॉपर, आयरन, बोरोन, क्लोरीन एंड कोबाल्ट। और मैक्रोन्यूट्रिएंट को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट, दूसरा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट से सेकेंडरी न्यूट्रिएंट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको हम एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं। तो पहले आते हैं मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम हमारे प्लांट में किस काम आती है? तो मैग्नीशियम का पहला काम पत्तों में यानी प्लांट के पत्तों में हरापन लाता है, और दूसरा काम नाइट्रोजन और फास्फोरस को प्लांट की जड़ों में से प्लांट की पत्तों तक पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स, हम सब प्लांट में नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटाशियम, ये जो फर्टिलाइज़र है हम तो डालते हैं, लेकिन कभी कभी हम इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद भी प्लांट में कोई फर्क नहीं नज़र आता है, क्योंकि उस प्लांट की मिट्टी में मैग्नीशियम की कमी रहती है। इसलिए वो फास्फोरस और नाइट्रोजन को प्लांट की जड़ों से लेकर पत्ते तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि फास्फोरस और नाइट्रोजन को ले जाने में मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ही कम करता है। फ्रेंड्स, अब आते हैं तीसरे काम पर। ये जो मैग्नीशियम है ये प्लांट की इम्यूनिटी पावर को मजबूत करते हैं यानी बढ़ाता है, यानी जो प्लांट में जो फंगस लग जाते हैं कभी कभी, या वो पत्ते मुरझा जाते हैं, या वो ब्रांच डाईबैक हो जाते हैं, इन सभी बीमारियों से ये लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। फ्रेंड्स, चौथा काम ये है कि मैग्नीशियम की वजह से प्लांट के अंदर जो पानी पकड़ने की यानी पानी स्टोर करने की जो क्षमता है उसे बढ़ाता है। प्लांट की मिट्टी में नहीं, प्लांट के अंदर यानी प्लांट की ब्रांच पे, पत्तों पे, इस जगहों पे पानी स्टोर करने में बहुत ही मदद करता है। तो फ्रेंड्स, ये गई मैग्नीशियम की काम। अब आते हैं मैग्नीशियम हमारे प्लांट पर कमी कैसे महसूस होता है, यानी हमको कैसे पता चलेगा कि इस प्लांट में मैग्नीशियम की कमी है। तो फ्रेंड्स, पहला कमी है पत्ते में पीलापन। लेकिन पत्ते तो बहुत तरीक़ों से पीलापन पड़ते हैं, लेकिन हम कैसे समझें कि वो मैग्नीशियम की कमी की वजह से पीलापन पड़ रहा है? तो एक उपाय है उसे पहचानने के, वो है पत्ते की जो नस्लें होती है उसे छोड़कर बाकी जो हिस्सा है वो पीला हो जाए तो आप समझिएगा कि उस प्लांट में मैग्नीशियम की कमी महसूस हो रहा है। तो लेकिन किस पत्ते पर? प्लांट की जो बड़े बड़े पत्ते हैं, पुराने पत्ते, उस पत्ते में अगर पीलापन महसूस हो और उसके नस्लें हरा हो, तभी आप समझिएगा कि इस पत्ते में यानी इस प्लांट में मैग्नीशियम की कमी हो रहा है। फ्रेंड्स, और दूसरा कमी है कि प्लांट के सभी पत्ते पीले पड़ जाए और वो गिर जाए, तभी आप समझेगा कि इस प्लांट पर मैग्नीशियम की कमी महसूस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं सल्फर के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब बात करते सल्फर हमारे प्लांट पर क्या काम आते हैं। तो फ्रेंड्स, सल्फर हमारी प्लांट के पत्ते में हरापन लाते हैं, यानी प्लांट के पत्ते में जो क्लोरोफिल होता है उसका काम बढ़ाता है।
यानी उसका काम और भी तेज कर देते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा काम यह है कि प्लांट में जो फल आते हैं उसका बीज बनाने में बहुत ही मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि सल्फर की कमी प्लांट में कैसे महसूस हो। तो प्लांट की जो ब्रांच होते हैं, ब्रांच के ऊपर के जो पत्ते होते हैं, अगर वो पत्ते पीले होकर गिर जाए तभी आप समझेगा कि उस प्लांट में सल्फर की कमी हो रही है फ्रेंड। और दूसरा, प्लांट के पत्ते सख्त हो जाना, यानी अगर आप प्लांट के पत्ते को थोड़ा सा मड़ोगे तो प्लांट के पत्ते एकदम टूट जाती है, यानी वो सख्त हो जाती है, तभी आप समझेगा कि इस प्लांट के पत्ते में सल्फर की कमी हो रही है। और तीसरा, अगर आप देखोगे कि आपके प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और उसके रूट भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो आप समझोगे कि उस प्लांट में सल्फर की कमी हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये है मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम सॉल्ट की कमी और उसका काम। आप देख लेते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट कैसा दिखता है और वो कहाँ पर मिलते हैं। तो ये जो है, ये है मैग्नीशियम सल्फेट, आप देख सकती हो, मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम सॉल्ट। तो ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। और अगर वहाँ पर नहीं मिलता है तो आप किसी फर्टिलाइज़र की दुकान में जाकर भी इसे कलेक्ट कर सकती हो। लेकिन आपके मन में सवाल ये रहता है कि ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये मेडिकल शॉप पे क्यों मिलेगा, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये इंसानों में भी काम आते हैं और गार्डनिंग में भी काम आते हैं, यानी प्लांट में भी काम आते हैं। अब बात करते कि इस मैग्नीशियम सल्फेट को कितना और कैसे यूज़ करते हैं। तो इस मैग्नीशियम सल्फेट को हाफ टी स्पून आप ध्यान में रखेंगे, हाफ टी स्पून पानी में, एक लीटर पानी में घोलकर अपनी प्लांट पर स्प्रे कर सकती हो। और अगर आप मिट्टी में डालना चाहते हो तो एक टी स्पून 10 इंच गमले में आप डाल सकते हो। फ्रेंड्स, जो मैग्नीशियम सल्फेट है आप इसे बहुत साल जीवित रहने वाले प्लांट में ही इस्तेमाल करिए, और जो सीजनल प्लांट है उसे कम यूज़ करिए। और ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये आप सिर्फ महीने में एक बार ही प्लांट पर स्प्रे या मिट्टी में डाल सकती हो, इससे ज़्यादा नहीं। और फ्रेंड्स, मैग्नीशियम सल्फेट कैसा दिखता है वो आप देख लीजिए। तो आप ये देख सकते हो मैग्नीशियम सल्फेट है, ये दिखने में एकदम नमक की तरह है, आप देख सकती हो। तो फ्रेंड्स, स्प्रे के ऊपर आपको ध्यान में रखना होगा कि जिस प्लांट के पत्ते में बहुत पानी स्टोर करके रखते हैं, यानी जो एडिनियम होते हैं, जो इंडोर प्लांट होते हैं, जो सैकुलेंट होते हैं, उस प्लांट के ऊपर आप स्प्रे मत करिए, उसकी जड़ों में डालिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों पर शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल पर अब नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए।